सभी का माही ब्लॉग में फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, पालंग आलू और मटर की एक बहुत ही टेस्टी सब्जी आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूंगी। आशा करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई कीजिए, उम्मीद है आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आधा किलो पालंग लिया है। ये देखिए, पालंग को मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है और लिया है दो आलू को ऐसे टुकड़ों में काट कर ऐसे, और लिया है मटर। मैं फ्रेश मटर लिया हूँ, आप चाहे तो इसमें ब्रजन मटर भी ले सकते हो। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और जो बाकी मसाले लगेगा वो मैं रेसिपी बनाते समय आप लोगों को बता दूंगी। इसके लिए एक कढ़ाई में ले लेंगे दो चम्मच तेल। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए हम डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा जब हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए हम डाल देंगे वन कटा हुआ प्याज। प्याज को दो मिनट फ्राई करेंगे। प्याज को हाई फ्लेम पे सिर्फ दो मिनट फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि हम तेल में आलू फ्राई करेंगे, इसीलिए प्याज भी साथ फ्राई हो जाएगा। दो मिनट बाद ये कटा हुआ आलू तेल में दे देंगे तो अच्छे से आलू को मिलाएंगे प्याज के साथ। गैस को हाई टू लो फ्लेम पे रखकर हम आलू को फ्राई करेंगे। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखकर हम आलू को तीन से चार मिनट पकाएंगे, बीच बीच में चलाते हुए पकाऊंगा। चार मिनट बाद हम कवर खोलेंगे और चेक कर लेंगे तो ये आलू हमारा फ्राई हो गया है। हम डाल देंगे वन कटा हुआ टमाटर, ऐसे चॉप करके मैंने किया। आप चाहे तो इसको पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हो। इसको अच्छे से एक बार मिला लेंगे। साथ ही हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिला लेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार दे सकती हो, मैं आधा चम्मच इस्तेमाल किया। फिर से इसको कवर कर देंगे गैस को लो फ्लेम पे रखकर दो मिनट के लिए। दो मिनट बाद हम कवर खोलेंगे और चेक कर लेंगे ये टमाटर हमारा अच्छा सा गल गया है, ये देख सकती हो आप, और आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच धनिया जीरा का पाउडर और आधी चम्मच हरी मिर्च पाउडर, और सभी ड्राई मसाले को एक मिनट भून लेंगे प्याज और टमाटर के साथ। एक मिनट इसको अच्छे से भून लिया है। अब हम डाल देंगे फ्रेश मटर, इसको भी एक मिनट भून लेंगे प्याज टमाटर आलू के साथ। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम पालक ऐड करेंगे। पालक डालने के बाद एक बार मिला लेंगे इसको और सब्जी को कवर करके चार से पाँच मिनट पका लेंगे। अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे चार से पाँच मिनट के लिए। चार से पाँच मिनट बाद हम एक बार चेक करेंगे, आलू को एक बार चेक कर लेंगे और ये आलू अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और ये हमारा पालंग भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। पालंग से जो एक्स्ट्रा पानी निकलते हैं उसी से हमारा आलू सॉफ्ट हो गया, ये देख सकती हो। सब्जी हमारा अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम ऐड कर देंगे हरा धनिया।
एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा पालंग आलू मटर का सब्जी बनके तैयार है, और आप इसको गर्मा गर्म इंजॉय कर सकती हो। ये देखिए, तो गैस को ऑफ कर देंगे और हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। इसको हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे, तो चलिए सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा आलू मटर और पालक की सब्जी बनके तैयार है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आशा करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए ये रेसिपी कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले।